नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लर्निंग हब में। दोस्तों आज सेशन नंबर 4 है, झारखंड करंट अफेयर्स। तो चलिए देखते हैं आज का क्या क्या प्रश्न है, फटाफट कंप्लीट करते हैं इसको। पहला क्वेश्चन है, वन संरक्षण के क्षेत्र में किन्हें वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड 2017 प्रदान किया गया। ये मैंने आपको बताया है, याद करो। चलो इसका आंसर मैं बता देता हूँ, इसका आंसर होगा जमुना टुड्डू। मैंने क्या बोला था, पर्यावरण से जुड़ा हुआ है जामुन। जामुन अब तोड़ना मत, पर्यावरण को नुकसान हो जाएगा। जामुन का पेड़, जामुन तोड़ना, जामुन का पेड़ मत तोड़ना, ठीक है। तो जमुना टुड्डू इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, नव निर्मित नगर पंचायत डोमचांच किस जिले में स्थित है। तो अगर आपको पता है तो ट्राई कर सकते हो, फिर भी मैं आंसर आपको बता देता हूँ। इसका आंसर होगा कोडरमा, डी कोडरमा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। और अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, राज्य के किस विश्वविद्यालय में योग में स्नातकोत्तर की पढ़ाई शुरू की गई है। योग में स्नातकोत्तर मतलब पीजी की पढ़ाई योगा में आप करोगे, बाबा रामदेव के चेले बन जाओगे। कौन सा विश्वविद्यालय में शुरू हुआ है, और ये रांची विश्वविद्यालय। और रांची विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई दोस्तों, 1960 में, ठीक है। तो ये हो गया, अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देश की पहली ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी का शिलान्यास कहाँ हुआ है, बताओ। देश का जो पहला ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी का शिलान्यास कहाँ हुआ है, इसका आंसर होगा धुरवा रांची में। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, झारखंड राज्य का नवा नगर निगम कौन है। झारखंड राज्य का नवा नगर निगम गिरिडीह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड के किस संथाली साहित्यकार को वर्ष 2017 के युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 2017 का संथाली साहित्यकार कौन है जिसको 2017 का युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, और ये है मैना टुड्डू। कौन है, मैना टुड्डू। अगला क्वेश्चन की ओर कदम बढ़ाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, मैना टुड्डू को वर्ष 2017 का युवा साहित्य पुरस्कार मिला, अभी हमने बात किया। तो भाई ये बताओ कि किस कृति के लिए उसको मिला, किस कृति के लिए उसको मिला था युवा साहित्य पुरस्कार, बताओ। और आंसर है मार्शल डहार, सी मार्शल डहार, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अगस्त 2017 में राज्य के किस स्थान पर यूरोपियन फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया। ऑब्वियसली झारखंड की राजधानी रांची, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, झारखंड राज्य की पहली गारमेंट इकाई कहाँ शुरू की गई। तो झारखंड की जो पहली गारमेंट इकाई है इरबा में शुरू की गई है, इरबा में। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये क्वेश्चन आ जाए, जीएसटी पारित करने वाले राज्यों में झारखंड का क्रम क्या है। और आपके सामने ऑप्शन इस प्रकार है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, और इसका आंसर है तीसरा। पहला कौन सा था और दूसरा कौन सा था, यह आपको बताना है, ठीक है। मैं बता दूंगा, कोई फायदा नहीं होगा, आप बताओ। किस हवाई अड्डे पर देश का पहला खादी स्टोर खोला गया है, और ये हमारा बिरसा मुंडा हवाई अड्डा है जो मेरे घर के
डेढ़ किलोमीटर दूरी पर है। झारखंड का पहला शू बैंक कहाँ खोला गया है? और झारखंड का पहला शू बैंक चाईबासा में खोला गया। अब ये शू बैंक क्या होता है सोच रहे हो, कुछ लोग सोच रहे हो शू बैंक क्या होता है, खराब पड़े टूटे फूटे खराब जो जूते होते हैं उन सारे जूतों का कलेक्शन होता है यहाँ पे, जिससे कि जो नीडी व्यक्ति है उनको दिया जा सके। ठीक है, शू बैंक जैसे ब्लड बैंक होता है उसी तरह शू बैंक है ये। अगला क्वेश्चन, झारखंड के पहले अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल मई 2018 का आयोजन कहां हुआ? देखो इस तरह का जब भी कोई क्वेश्चन आए तो आप मोटा मोटी आप ये मान के चलो कि रांची ही इसका आंसर होगा, और इसका आंसर रांची है, बट ज्यादा चांसेस होता है कि राज्य की राजधानी में हर तरह की सुविधाएं होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है और इम्प्लॉयज होते हैं, उस तरह के फैसिलिटीज होते हैं, तो उस हिसाब से जो है रांची मतलब राजधानी ज्यादा उपयुक्त जगह है हमारे राज्य झारखंड राज्य के लिए, झारखंड राज्य के लिए खास करके, क्योंकि और बाकी जिले रांची जिले से कम डेवलप्ड है, विकास किया है, रांची राजधानी होने की वजह से विकास काफी हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और ये इस प्रकार है, जयपाल सिंह एक रोमांचक अनकही कहानी पुस्तक किसने लिखी है? और ये क्वेश्चन हो सकता आ जाए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जयपाल सिंह एक रोमांचक अनकही पुस्तक बलबीर दत्त ने लिखा है, बलबीर दत्त। ओके, तो हम लोग समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। झारखंड राज्य में खुदिया बियर योजना, खुदिया बियर योजना की शुरुआत कहाँ हुई है? और इसकी शुरुआत चास में हुई है। अब ये बियर पीने वाला बियर योजना नहीं है, जो बियर पीते हैं लोग लुढ़क जाते हैं वो बियर नहीं, ये सिंचाई परियोजना की बात हो रही है यहाँ पे चास में। ठीक है, उसके बारे में ज्यादा डिटेल्स पढ़ना है तो आप सर्च करो, विकिपीडिया में सर्च करो या फिर गूगल में सर्च करो। राज्य में किस स्थान पर झारखंड इंस्टीट्यूट ऑफ क्राफ्ट एंड डिजाइन की स्थापना की जानी है? बताओ भाई, ये भी क्वेश्चन कोई पूछने वाला क्वेश्चन है, अगेन जैसे मैंने बताया था आपको, इसका भी आंसर रांची होगा। रांची में इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट एंड डिजाइन क्राफ्ट, इंस्टीट्यूट ऑफ क्राफ्ट एंड डिजाइन की स्थापना होने वाली है। ठीक है, चलो अब लास्ट 3-2 क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। झारखंड में किस स्थान पर प्लास्टिक पार्क बनाया जाने वाला है? देखो भाई, शू बैंक देख लिए, ब्लड बैंक देख लिया, अब एक प्लास्टिक पार्क देख लो। प्लास्टिक पार्क जो है देवघर जिले में बनाया जाने वाला है, बनाया जाएगा। और आज का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन इस प्रकार आपके समक्ष, किस कॉलेज का नाम या किस विश्वविद्यालय का नाम, किस कॉलेज का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, हाँ विश्वविद्यालय भी बोल सकते हो, किस कॉलेज का नाम या किस विश्वविद्यालय का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय किया गया? और इसका आंसर है रांची कॉलेज। रांची कॉलेज का नाम जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय कर दिया गया है। इसके लिए काफी प्रोटेस्ट भी हुआ था रांची में, कुछ छात्रों के ग्रुप ने इसका विरोध किया था, बट अंततः जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक है, तो भाई ये हो गया आज का सेशन समाप्त, अब आप अपना काम करो, मैंने अपना काम कर दिया, वीडियो आपको बना के दे दिया, आप इसको पढ़ो, शेयर करो, फेसबुक में शेयर करो, यूट्यूब में दोस्तों को भी शेयर करो, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो, कमेंट करके थोड़ा मेरे जो एनर्जी है उसको और बढ़ाओ, थोड़ा तारीफ वारीफ कर दो, अच्छा लगता है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।